अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एम सी क्यूज फॉर यू। सो दोस्तों, नाउ वी विल अपलोड सिटी पेपर दैट हैज़ बीन कंडक्टेड फॉर मलकंड डिवीजन। इसका जो पेपर है वो है सेक्शन या टाइप जी पेपर, मेरे साथ टाइप जी पेपर है, तो इसके एम सी क्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। ये पेपर खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने कंडक्ट किया है फॉर मलकंड डिवीजन। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, यहाँ से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जी वो पूछ रहे हैं, हदीस की रूह से सिर्फ अलिफ लाम मीम का लफ्ज़ पढ़ने से कितनी निकिया मिलती है। एक हर पढ़ने से 10, तो 3 हो गए, अलिफ लाम मीम 30 निकिया इसमें मिल जाएंगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर टू को देख लें। बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो बेसिकली है वो सिर्फ दो टाइप्स के, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। बाकी इस तरह पोल्यूशन के टाइप्स अगर आप ले लें तो फिर तो नॉइज़ और इस तरह इंडस्ट्रियल और भी सारे आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये सिर्फ दो किस्म का है। इस हिसाब से भी दो किस्म का बनता है, और अगर सोर्स के बेसिस पे ले ले तो भी दो। प्राइमरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूशन केस करता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूशन केस करता है, तब भी ये दो टाइप्स ही बनते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थ्री को देख ली। इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह वॉज क्रोन। रणजीत सिंह कब जो है वो क्रोन, मतलब बादशाही के तख्त पे बैठ गई, 1801 की बात है। 1801 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर में जी पूछ रहे, सिविल डिसोबीडियंस इन नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट वर कैरियड आउट जॉइंटली अंडर द सुपरविजन ऑफ गांधी एंड मोहम्मद अली जौहर इन 1920। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिविल डिसोबीडियंट और नॉन कॉपोरेशन जो मूवमेंट हैं ये किस किस के सुपरविजन में, गांधी और मोहम्मद अली जौहर के सुपरविजन में हुई हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव को देख ले। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तीन डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप ले लें 999 और इसी तरह सिंपलेस्ट थ्री डिजिट अगर आप ले लें, सिंपलेस्ट थ्री डिजिट 100 है, तो 999 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 20 आगे और लगा ले, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर ले, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो पूछ रहे हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन, अ पैरामीटर ऑफ बुक इज 100 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पैरामीटर का फार्मूला है, जब आप ब्रैकेट में आप विड और लेंथ जमा कर ले, बायर से 2 मल्टीप्लाई कर ले, इज इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर 100 इन्होंने दिया है, विड 22 हो गया, लेंथ फाइंड करना है तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 44 हो जाएंगे, 44 को 100 से माइनस कर ले 56 को 2 पे डिवाइड कर ले 28 उसका लेंथ आएगा, 28 सेंटीमीटर। फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू पुट कर लें, आसान सा फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लें। 2 ब्रैकेट एल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन विड, और फिर इज इक्वल टू पैरामीटर, वैल्यू पुट कर ले, आंसर 28 इससे आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7 को देख ले। मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स वर्टेक्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को देख ले। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इफ इट्स एक्सपोनेंट आर होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, काफ़ी दोस्तों ने नेचुरल नंबर इसको करेक्ट किया है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इफ इट्स एक्सपोनेंट और होल नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले। द अदर फिलोसफी विच ब्लेंड्स विद रियलिज्म टू फॉर्म एसेंशियलिज्म इज प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 10 को देख ले। कोमेनियस बिलीव्ड दैट द एम ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन के मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, नज़रियात हैं, इसी तरह एक कॉमेंस भी एक बिलीव है, एक नज़रिया है। इनका एम क्या है एजुकेशन में, टू शेप द ह्यूमन क्रिएचर इनटू इमेज ऑफ द डिवाइन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हकीकी और मजाजी मायने में तशबी के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए तो उसे मजाज मरसल कहते हैं, तशबी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 को देख ले। जब तीर गंज पड़ेगा उड़ेगा निशाना क्या, खत कशीदा लफ्ज़ यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कंच को, कंच के मीन तिरचा टेढ़ा टिल्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड आज की वीडियो का आखिरी सवाल 13 को देख ले। मंजर ज़ेल में से मुजक्कर का मुजक्कर लफ्ज़ की निशानदेही के लिए, पानी मुजक्कर है, पानी मुजक्कर है, पानी आता है नॉट पानी आती है, सो दिस इज़ मुजक्कर, मुजक्कर मुनस की आसान सी इसको जुमले में इस्तेमाल कर ले तो इससे वाजे हो जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दीज वर पार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज़।
इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगी इसके बाद की एमसीक्यूज़ है। तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।